दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग के सफल बल्लेबाजों में से एक सुरेश रैना, जिनको मिस्टर आईपीएल जैसे नाम से लोग बुलाते हैं, उनको इस बार के मेगा ऑक्शन में कोई खरीददार ही नहीं मिला। दरअसल 12 और 13 फरवरी 2022 को बैंगलोर में हुए दो दिवसीय ऑक्शन में सभी 10 टीमें 600 खिलाड़ियों की बोली लगाने पहुंची। इस दौरान चेन्नई ने अपने कई पुराने खिलाड़ियों को साथ जोड़ा, लेकिन रैना पर बोली नहीं लगाई। आपको बता दें, आईपीएल के 15वें सीजन के लिए हुए मेगा ऑक्शन में रैना 2 करोड़ की रकम के साथ शामिल हुए थे, लेकिन पहले दिन उनको किसी भी टीम ने खरीदने में रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद दूसरे दिन आखिर के सेट में उनको एक बार फिर से शामिल किया गया। हालांकि इस बार भी रैना को किसी फ्रेंचाइजी टीम ने खरीदने के लिए बोली नहीं लगाई। वैसे साल 2008 के बाद यह महज दूसरा मौका ही होगा जब रैना आईपीएल में नहीं खेलेंगे, क्योंकि इससे पहले साल 2020 में कोरोना की वजह से रैना ने अपना नाम वापस लिया था। हालांकि हैरानी की बात तो यह है, आईपीएल के इतिहास में रैना सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में 4थे नंबर पर हैं, जिन्होंने 205 मैच खेलकर 5528 रन बनाए, साथ ही 25 विकेट भी लिए। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 100 रन रहा। इसके अलावा आईपीएल में रैना ने 203 छक्के और 506 चौके भी जमाए, लेकिन फिर भी इस बार सभी फ्रेंचाइजियों ने उन्हें निराश किया। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसी तरह की और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल क्रिकेट पोस्ट को अभी सब्सक्राइब करें।